तो पार्ट 31 की शुरुआत में हम जिन को देखते हैं जो काइली के साथ एक गुफा में बैठा था, तभी जिन काइली की वो बेल बॉल उठाकर उसे देखने लगता है, पर काइली उसे छीन के कहती है कि हम दोनों दुश्मन हैं, जिस पे जिन कहता है कि आज सुबह तुमने उनका टैग ब्लॉक करके मुझे बचाया था और मैंने उनसे लड़के आज तुम्हें बचाया था, मतलब अब हम दोनों दोस्त हैं। जिस पे काइली कहती है कि भले ही तुम मेरे दुश्मन हो लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। उसी वक्त जिन काइली को वो ट्रेजर दिखाता है जो जिन ने काइली से चुपके से ले लिया था, तो काइली उसे वापस मांगने लगती है, जिस पे जिन कहता है कि तुम्हें मेरे एक सवाल का आंसर देना होगा और मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तो काइली इसके लिए मान जाती है। इसके बाद जिन काइली से पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई सीक्रेट टेक्निक है, जिस पे काइली बताती है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट हुआ करता था जिसने एक टेक्निक यहाँ छुपा रखी है जिससे तुम बहुत ताकतवर बन सकते हो, पर किसी को भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। ये सुन के जिन सोचने लगता है कि कहीं ये वही टेक्निक तो नहीं जो उस घोस्ट को चाहिए। उसी वक्त काइली उसे बताती है कि भले ही तुम इस टेक्निक को ढूंढ लो लेकिन ज़ेनियन हॉल के लोग और मोर्टर डायनेस्टी के लोग यहाँ आ गए हैं जो तुम्हें वो टेक्निक नहीं लेने देंगे। ये सुन के जिन बोलता है कि चलो फिर हम दोनों एक टीम बना लेते हैं, जिस पर काइली कहती है कि मैं तुम्हारी टीम में नहीं आ सकती क्योंकि मैं ज़ेनियन हॉल के साथ हूँ। जिस पे जिन बोलता है कि स्कॉट भी तो मेरा दोस्त ही है, पर ये सुन के भी काइली नहीं मानती और जिन पे अटैक करने लगती है, तो जिन उसे रोक कर उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, पर काइली की पावर्स उस फॉर्मेशन पे भारी पड़ रही थी। तभी काइली जिन को थैंक यू बोलते हुए बेहोश हो जाती है। ये देखकर जिन सोचता है कि अगर काइली की स्पिरिट इस बॉल में है तो क्यों ना मैं इस बॉल को तोड़ दूं, पर जैसे ही वो ऐसा करने लगता है काइली को दर्द होने लगता है, तो जिन कुछ नहीं करता। इधर हम जस्टिन और जॉन को देखते हैं जो बहुत देर से पॉल को ढूंढने के चक्कर में थक गए थे। तभी उनके पास इमोर्टल डायनेस्टी के लोग आ जाते हैं जो बहुत ही ताकतवर थे। अब उस लोगों का लीडर जस्टिन से बोलता है कि जल्दी से मुझे वो मूनलाइट पर्ल दे दो, जिस पे जस्टिन बोलता है कि वो पर्ल मुझे नहीं मिला। तो वो लीडर कहता है कि तुम मेरे सबर की परीक्षा ना लेकर मुझे वो दे दो क्योंकि मुझे पता है कि तुम मूनलाइट टेक्निक जानते हो जिसकी मदद से तुम उसे ढूंढ सकते हो। जिस पे जस्टिन उसे बताता है कि भले ही मैं उसे ढूंढ सकता हूँ लेकिन उस पर्ल के ऊपर एक फॉर्मेशन बना है जिसे मैं नहीं तोड़ सकता, जिसकी वजह से मुझे उसकी करंट लोकेशन नहीं पता। ये सुन के वो लीडर उन दोनों को पकड़ने का आदेश दे देता है, तो जस्टिन उन लोगों से लड़ते हुए जॉन को वहाँ से भगा देता है। दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो उसी सीक्रेट टेक्निक के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी एक सैनिक उसे बोलती है कि हमने काइली को अपनी टीम से हटा दिया है, इसलिए वो पॉल को कुछ नहीं बता पाएगी। जिस पे स्कॉट बोलता है कि काइली का पॉल के साथ हाथ मिलाना बहुत बुरा है। इस तरफ हम काइली को देखते हैं जो होश में आ जाती है और उसे लगता है कि वो हील हो चुकी है, जिसके बाद वो जिन को इधर उधर देखती है, पर जिन वहाँ नहीं था लेकिन उसने काइली का ट्रेजर वहीं छोड़ दिया था, इसलिए काइली उस ट्रेजर को लेके उस गुफा से बाहर निकलने लगती है। तभी उसके पास एक बंदा आता है और उससे पूछता है कि स्कॉट कहाँ पे है, जिस पर काइली उसे बताती है कि वो यहाँ के कुछ ट्रेजर्स और उस सीक्रेट टेक्निक को ढूंढ रहे हैं लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से हम अलग हो गए हैं। ये सुन के वो बंदा जिसका नाम टॉम था सोचने लगता है कि हॉल मास्टर ने स्कॉट को वो सीक्रेट टेक्निक वापस लेकर आने को कही थी, पर कहीं स्कॉट उसे खुद ना इस्तेमाल कर ले। इसलिए टॉम काइली से कहता है कि क्या तुम आगे का सफर मेरे साथ तय करोगी, तो काइली इसके लिए मान जाती है। इस तरफ हम जिन को देखते हैं जिसने अपनी नींद पूरी कर ली थी। तभी जिन वहाँ जॉन की आवाज़ सुनता है जिसके पीछे अटैक करने के लिए एक बंदा पड़ा था, तो जिन बारबेरियन टेक्निक की मदद से उन दोनों को दूर दूर कर देता है और जॉन से पूछता है कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो। तभी दूसरा बंदा जिन से बोलता है कि तुम कौन हो जो मोर्टल डायनेस्टी के लोगों के काम के बीच में आ रहे हो। उसी वक्त जॉन जिन को बताता है कि मोर्टल डायनेस्टी के एक लीडर ने एक सीक्रेट मूनलाइट पर्ल के लिए जस्टिन को बंदी बना लिया है। ये सुन के जिन बोलता है कि तो जस्टिन भी यहाँ पे आया है, जिसके बाद जिन उस बंदे पर अटैक करते हुए जॉन से बोलता है कि हमें जस्टिन को बचाना ही होगा। उसी वक्त वो बंदा उन दोनों पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है, तो जिन जानबूझ के जॉन के साथ नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो बंदा जिन और जॉन को उठा के अपनी जगह पर ले जाने लगता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो उन तीनों को ऊपर से देख रही थी। आगे वो बंदा जिन और जॉन को अपने साथ एक गुफा में ले जाता है, जिन्हें देखकर जस्टिन पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो बंदा अपने लीडर को बताता है कि ये दोनों जस्टिन के दोस्त हैं और उसे बचाने की कोशिश करना चाहते थे, पर मैंने उन्हें पकड़ लिया। साथ ही जिन के पास बहुत ताकतवर ज्योग्राफिकल मेथड है। ये सुन के वो लीडर उसको शाबाशी देते हुए कहता है कि ये तुमने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि हमें एक ज्योग्राफिकल मास्टर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद वो लीडर उन तीनों को एक जगह बिठा देता है, जिसके बाद जस्टिन उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों क्यों पकड़े गए, जिस पे जिन बोलता है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम तुम्हें नहीं बचा पाते क्योंकि वो बंदे 8th लेवल ऑफ ह्यूमन हेवन स्टेज पर है, इसलिए मुझे यहाँ का सब कुछ पता लगाना था। जिस पे जस्टिन बोलता है कि पर हम ये कैसे करेंगे, उन्होंने तो हमारी स्पिरिचुअल पावर पे सील लगा दी है। तो जिन बोलता है कि चलो तो फिर यहीं इस सील को खोलेंगे, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।